आइसक्रीम बनती है ना तो बेसिक आइसक्रीम के पैसे कम होते हैं ऊपर आप टॉपिंग्स डालोगे ना तो ज्यादा होते हैं फिर आप बोलो एक डालो तो और होगा राइट right? फिर थ्री कलर सही बोल रहा हूँ नसीम चुनारा ऐसा ही ओवेज ठीक है वाइट बोर्ड ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट ओके सो टाइटल ऑफ द बुक इज

तो उसने छः पॉइंट्स में इस बुक को डिवाइड किया है कि फियर किस तरह से उसने बोला दो तरह के फियर्स होते हैं विल टॉक अबाउट इट एक पॉजिटिव फियर होता है एक नेगेटिव फियर होता है लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट के पॉजिटिव फियर क्या होता है और नेगेटिव फियर क्या होता है ठीक है बिकॉज वी ऑल से दैट यू ऑल आर सीनियर्स एंड यू हैव लिव्ड योर लाइफ तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आता राइट मेनी ऑफ यू समाइम्स गिव द रीजन जिस जो बुक में भी नहीं होती है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड

इतनी अच्छी गाड़ी ली हो कोई चले तो नहीं जाएगा वो इतना बड़ा गैस स्टेशन है वो कोई सामने तो नहीं खोल लेगा इतना बड़ा स्कूल खोला अड़े कॉम्पिटिशन तो नहीं आ जाएगा इतना बिजनेस आइडिया है कोई कॉपी तो नहीं कर लेगा यू नो लॉटरी लग गई अरे इतने सारे लोग आ जाएंगे पैसा खर्च तो नहीं हो जाएगा तो एक तरफ वो लोग जी रहे हैं जिनके पास नहीं है और जब मिल जाता है तो उनके सर पे और स्ट्रेस आ जाता है आपको पता है सो कभी कभार वो कहता है ना कंटेंटमेंट ऑफ द पुअर इज फार वे ग्रेटर देन वरीज ऑफ द रिच राइट right? तो इसलिए मीडियोक्रिटी या अब देखो ना कुरान में या ऊपर वाले ने हजरत मोहम्मद ने हमेशा जिसको उर्दू में म्याना रवि कहते हैं यू नो बीच की लाइन कहते हैं यू नो यू डोंट हैव हैव टू टू बी बी वेरी वेरी मच मच पुअर बट यू रिच बिकॉज उसके अपने पैकेजेज हैं आप जाके बहुत हाईली सक्सेसफुल आदमी को बोलो ना कि तुम्हारे पे तो लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा वो बोलेगा छोड़ दो भाई मेरे लिए इसको रिटेन करना इस पोजिशन को इट्स लाइक अ नाइट मैं सो नहीं सकता हूँ मुझे इतना स्ट्रेस होता है और आपको क्या लगता है ये आई वॉज रीडिंग आर जो क्या बेरल आए थे स्टॉम राइट आई वॉज देर इन यूस्टन एज वेल तो पीपल वर कंडेम नहीं यार एक मिलियन लेता है सेंटर पार्कवे का यू नो पॉइंट का सीईओ एंड यू नो ऑल दैट अब खाली ये देखो सत्रह हजार लोग काम करते हैं कंपनी में कितना स्ट्रेस होगा उसके सर पे राइट इज नॉट अ टेक्नीशियन के वो ऊपर बैठ के प्लम्बिंग करेगा या तार टूट गया तार नहीं बनाना वो बनाना तो शायद बहुत आसान काम है क्योंकि जिसको बनाना है वो जाएगा ऊपर चढ़ेगा कार निकालेगा और बना के आ जाएगा बट कौन किधर जाएगा किसकी स्केड्यूल क्या होगी कोई प्रॉब्लम हो गया यू you नो know, कुछ ब्रेकडाउन हो गया लॉ सूट्स आ गए रोज़ नए नए लॉ सूट्स आ रहे हैं लीगल टीम के साथ एक्शन लेना ये करना तो जितनी बड़ी कंपनी होती है ना उसका सीईओ उतना हाईली पेड होता है गूगल एंड फेसबुक के सी बहुत पेड होते हैं बिकॉज आपको ये जान के हैरत होगी कि वो लोग नींद की गोलियां खाते हैं दे कैन नॉट स्लीप एट द एज ऑफ थर्टीज एंड फोर्टीजर तो ये एक तरह का फियर है जिसको कहते हैं फियर का बेसिकली मतलब हुआ आसान जबान में ठीक uh, है मुझसे ये चला जाएगा ऐसा ही है जैसमेंट राइट ठीक है अब वो चला जाएगा वो देर आर डिफरेंट कॉन टू इट ड बी मेरी फैमिली चली जाएगी मुझसे ठीक है मेरे uh, पेरेंट्स चले जाएंगे मेरे यू नो मैन द किड्स विल ग्रो टीनेजर्स हुएंगे तो माँ बाप को टेंशन होती है अरे ये तो सुनेंगे नहीं चले जाएंगे राइट right? और चले जाते हैं राइट दैट्स द वे द कल्चर इज इन वेस्ट राइट बहुत सारे इन ईस्ट दिव इन द मिडल साइड्स ऑफ द मिडिल ईस्ट यू नो बिकॉज उनको डर लगता है यार वो यू में बच्चे तो थर्टीन होते ही चले जाते हैंड कल्चर राइट बिकॉज द कल्चर इम्पार्ट तो बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के फियर होते हैं राइट right? अब ऑथर ये कहता है कुछ फियर अच्छे भी होते हैं सारे फियर खराब नहीं होते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा फियर अच्छा है बिकॉज देखो गॉड ने आलाराम रखा है सिस्टम राइट right? आलाराम क्या होता है रिमाइंडर क्या होता है एक आलाराम वो भी होता है जो कि ओह सुबह उड़ जाओ वेकअप एंड गुड बैक टू तो वर्क तो उस वक्त बुरा लगता है बट इट एक्चुअली हेल्प यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल बट एक अलार्म वो भी होता है जो बलगड़ी का अलार्म होता है रॉबरी हो गई भागो नाइटमेर हो गया यू नो कैट्रोफी आ गई हरिकेन आ गया अर्थक्वेक वो नहीं क्या कहते हैं ड्रॉप रोल एंड कवर यू you नो know? क्या होता है राइट सो दैट कंटेजेंसी प्लान जिसकी हमको ट्रेनिंग दी जाती है वो बुरा भी होता है लेकिन हर फियर एक तरह से एक पॉजिटिविटी लाता है हमको उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है उस बारे में ये बुक ठीक है आर यू ऑल विद मी गेट थम्स अप और ओपन अप द वीडियोस बिकॉज जिसकी वीडियो ऑन नहीं है उसके लिए भी फियर है तो हर फियर को खुद ही ओवरकम करना है राइट right? बाहर से आके कोई नहीं करेगा और छोटी सी मिसाल लाइक लास्ट टाइम जैसमिन इन मेनी मेनी ऑफ यू बिकॉज आई यूज टू कंडेम यू ऑल के खोलो वीडियोज खोलो वीडियो खोलो आप लोगों ने खोलना शुरू किया कॉन्फिडेंस बढ़ा अब देखो कम हो गया राइट एंड आई मीट मेनी पीपल जो मुझे कहते हैं फिर इस अभी डर लगता है खोलते हुए क्योंकि छः सात दफ़ा से नहीं खोला ना और आपने बोला नहीं तो दिस इज द सेम थिंग आप कोई मीटिंग में जाओगे फैमिली गैदरिंग में जाओगे फ्रेंड्स में जाओगे और अगर आप बोलोगे नहीं ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा वो फियर कौन सा फियर होता है कॉन्फिडेंस में चलो हु विल से दैट नसीम चुनारा वो कौन सा फियर होता है जिसकी वजह से लोग पब्लिक में बैठ के अपने ख्याल का इजहार नहीं कर पाते हाउ वुड यू कंटेम्पलेट दैट हाँ पे दो बात आ गई लोग जो है ना पब्लिक स्पीकिंग को और लैंग्वेज स्किल्स को मिला देते हैं दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स यू नो स्पीकिंग राइट एंड पावर टू स्पीक बहुत फर्क है मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ <coughs> इब्राहिम लिंकन जो के बहुत बड़ा जो वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और वो बहुत बड़ा स्पीकर था मतलब यूएस की हिस्ट्री में इतना पावरफुल स्पीकर नहीं आया जितना इब्राहिम लिंकन है यू ऑल हैव हर्ड द नेम रेज योर हैंड्स यस और नो आपको पता है इब्राहिम लिंकन बोलता है अपनी बायोग्राफी में मैं जितना बोलने से डरता था कोई यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट नहीं डरता बिकॉज मैं हकलाता था तोतला था कुछ वर्ड्स मेरे ऐसे थे कि देर आई ऑलवेज यूज टू गेट स्लिप ऑफ टंग बोलता था अब मैं जब

जो मेरे बिहाफ पे बोले कर सकता था ना यूएस का प्रेसिडेंट था किसी को, को बोल लेते हुए कोई सैलरी देते हुए प्रॉब्लम थोड़ी था बेस्ट स्पीकर को टोनी रॉबिस को हायर कर लेता अपना एडवोकेट राइट right? नहीं किया उसने बोला रादर देन दिस फियर मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा तो उसने बोलना शुरू किया और रिकॉर्ड करना शुरू ध्यान से सुनना उसने बोलना शुरू किया रिकॉर्ड करना शुरू किया ये आदमी अपने फियर पे कैसे काम करता है उसने बोला मैं अटकता कहा तो उसने छे वर्ड्स निकाले जहां वो अटकता है उसने बोला बाकी मैं कहीं नहीं अटकता ये अल्फाबेट्स प्रोनाउंस करने होना था। तो उसने बोला कि मिल गया सोल्यूशन बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, सोचा परेशान हुआ पहले स्पीच थेरेपी कोर्स लिया डॉक्टर बोला नहीं छे के चार हो जाएंगे बट चार में अटकोगे बोला ठीक है चार पे ले पहले मुझे छह महीने की ट्रेनिंग किया फिर उसने बोला कि जहां मैं अटकूंगा ना वो सेंटेंस का एंड होना चाहिए वहां फुल स्टॉप लगा देना तो सेंटेंस की स्क्रिप्ट ऐसी बना कि जहां मुझे अटकना हो वहां पंक्चुएशन में फुल स्टॉप हो ताकि मुझे वैसे ही ब्रेक लेना पड़े तो लोगों को नहीं पता चले मैं अटका हूं लोगों लगे सेंटेंस खत्म हुआ कैसा क्लैब हिम दिस इज कॉल्ड ओवरकमिंग योर फियर समझ आया राइट right? ठीक है कपिल शर्मा और ज्यादा समझ आएगा अपने बारे में सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है अपनी अंग्रेजी की ही डज नॉट स्पीक दैट बैड बट उसने इतनी मजाक उड़ाया ही कि ना ही इज इम्प्रूवड अलॉट आप उसके पहले के अभी के शोज देखो ना आई एम श्योर एवरीबडी वॉच इज इट राइट अभी नेटफ्लिक्स ने भी ले लिया लेकिन द बेस्ट कॉमेडियन नोज हाउ टू लाफ एट इज ओन मिस्टेक्स येस और नो प्रॉब्लम हमारा कब हो जाता है जब हम मिस्टर मिसेस परफेक्ट बन जाता है ठीक है और तब बोली शुरू हो जाती है तब लाइफ में गेम खराब होता है मतलब बोली सिर्फ बार वाले नहीं करते ये लिख लो बात ठीक है पावर टू स्पीक के लिए प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट इस पे बिलीव होना चाहिए वो कहते हैं ना व्हेन यू बिलीव यू चेंज द वर्ल्ड बहुत अच्छी मुझे आज एक चीज़ समझने में आई इमरान खान सब लोग जानते हैं पाकिस्तान इंडिया वाले सब जानते हैं वो बट आई वॉज रीडिंग बायोग्राफीज का मुझे शौक है so, hey, God, तो वो लिखता है कि जब कैंसर हॉस्पिटल बनाना था ना मदर पास दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट फ्री हॉस्पिटल तो हर बड़े काम में मसले होते हैं लेकिन हर चीज़ में मसला होता है राइट तो उसने बोला कि यार फ्री कैंसर हॉस्पिटल मदर डाइड ऑफ मेरे पास तो तो पैसा था फिर भी नहीं नहीं बचा पाया बहुत सारे लोग तो करा पाते सो इन पाकिस्तान और उसने कहा कि मुझे बताओ फ्री कैंसर हॉस्पिटल कैसे पॉसिबल है सबने बोला 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 नाइनटीन डॉक्टर इस पॉइंट पर आ गए कि तुम बेवकूफ़ यूर फूल ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक है वी रिस्पेक्ट यूर मदर पैस्ट अवे बट ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है कैंसर का इलाज महंगा तरीन इलाज है तो तुम फ्री में करना पॉसिबल ठीक है वो डिस हो गया वो लंच से वॉकआउट कर गया वो बाहर से ले गया डुबर डॉक्टर उसको लंच कर रहा हूँ मुझे नहीं बैठना जो मुझे बात सुन भी नहीं सकते ना देट वॉज अ पॉइंट ही को डेफ ब्रेक फियर दिया ना खाली फियर अंदर से था तो बार हायर किया बाहर वालों ने भी फियर दिया अब ये देखो इसको कहते हैं डर के आगे जीत है कहावत सुनी है सब सुनी है ये रेज्यू है तो पता हमको सब है हम सब मास्टर है बट उसको अप्लाई कैसे करना है आज वो सीखते हैं राइट मिलके के मे लॉर्ड ब्लेसेस तो उसने फिर जाके लंडन गया उसने बोला ठीक है पाकिस्तान के डॉक्टर को नहीं पता लंडन के डॉक्टर को जाते हैं ना मैं अमेरिकनइज डॉक्टर हैं वेस्ट के इनोवेटिव होंगे उसने वहाँ बेस्ट लोगों को हायर किया अब वो डॉक्टर ज़्यादा वोकल थे पाकिस्तान वाले तो फिर भी लिहाज करके बोलते उसने तो सीधा इमरान खान को जाड़ लगा दी कि किस तरह का तुम्हारे आइडियाज है इट माइट नॉट वर्क यू नो फूल एंड ऑल दैट वो वॉकआउट कर गया उसने बोला यार ये भी क्रैपा घर आया बहुत परेशान था फिर फैमिली में उसका मिंटोर था उसका कजन बड़ा ब्रदर जिसका हमेशा उसने उसको सुना करियर में बिजनेस में सब में उसने बोला तो मैं काम करूँ इमरान यू नो जो आंट की डेथ हुई है तुम्हें एक फार्मेसी बना दो बिकॉज कैंसर हॉस्पिटल मुझे वाकई नहीं लगता तुम्हें कुछ करना है रिस्पेक्ट द फीलिंग बट इतना बड़ा मसला क्यों ले रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा इज द हिस्ट्री कैंसर हॉस्पिटल बनाया उसने वर्ल्ड फर्स्ट थ्री कैंसर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट राइट लेट्स क्लैप क्लाने तो जितना बड़ा मिशन उतरा है उतना बड़ा डर कुदरत ले आती है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं येस और नो ठीक है कुछ लोग अपना डर खुद हटाते हैं कुछ लोगों का डर कोई और आके हटाता है कोई भी नहीं हटाता या तो आप हटाओगे या ऊपर वाला हटाएगा जिसके लिए आपको प्रे करना पड़ेगा लेकिन मसला का सलूशन ये निकला कि हटाना डर खुद ही पड़ेगा इसकी ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा ज है एट्टी बोलूंगा तो बुरा मान जाओगे एट्टी का कोई हो तो वीडियो ऑन नहीं की राइट नाइन नाइनटी नाइन नाइनटीन नाइनटी के बाद एज नहीं बढ़ती ना हम कहते हैं राइट ट्वेंटी डॉलर के बाद एज नहीं बढ़ती राइट तो अभी कितने लोगों के पास जिंदगी में सोचो क्लोज यूराइज फॉर मिनट क्लोज यूराइज क्लोज यूराइज में सोचना अच्छा मिलता है जिंदगी में कब ऐसा हुआ कि यार बहुत डर लगा बहुत हालत खराब हो गई लेकिन कुछ टाइम बाद उससे बहुत अच्छा हो गया बहुत बड़ी रुकावट आई बहुत मुश्किल आई बट पता चला नहीं यार खुदा कहते हैं और मुश्किल के बाद आसानी है कुरान की आयत है ठीक है यसर नो जब खुदा ने बोल दिया स्टैम्प मिनिस्ट्री ऑफ गॉड से आ गई तो झूठ हो सकता है नहीं हो सकता ना तो उसने जो फिल्म का राइटर है उसी ने पहले से कोड बता दिया हैक बता दिया राइट हैक कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है सो so, आसानी का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके साथ मुश्किल चल रही है इसका मतलब गॉड वॉन्ट्स टू चेंज योर टाइम राइट मौलाना रूमी ने क्या बोला है दिस इज अ अटेस्टेशन राइट मौलाना रूमी बोला है कि लाइफ में एक पॉइंट आए जब आपके लिए ब्रीथ करना भी मुश्किल हो जाए क्या सांस लेना भी मुश्किल हो जाए इतनी मुश्किल हर आदमी को आती है नहीं आती राइट right? ऐसा हो कि आपका दम घुटना शुरू हो जाए तो यकीन जानो खुदा अब मोड़ लाने वाला है खुदा अब लाइफ का डायरेक्शन तुम्हारी फेवर में बदलने वाला है क्योंकि तुम्हें उस पॉइंट पे ले आया कि अब प्रॉफिट मोहम्मद हिजरत किए मक्का से कितने कचरे फेंके लोगों ने मारा पत्थर मारे कुछ नहीं बोले नबी थे हालत खराब हो गई राइट इतना करे कि रहना मुश्किल हो गया ब्रीदिंग मुश्किल हो गई भागना पड़ा खुदा ने बोला निकलो मक्का से मदीना जाओ टर्निंग पॉइंट इस्लाम का कहाँ आया मदीना पहुंच के पता किया राइट जितने भी लोग थे पावरफुल रिच मोस्ट थे उनको मदीना में कन्वर्ट किया फिर पावर के साथ मक्का एंटर हुए और बोला अब ये तलवार है जो मान ले आ जाए जो नहीं वो घर पे रहे जिसको लड़ना है मैदान में खड़े रहे देख लेंगे यस और नो राइट तो क्या हुआ फियर नहीं आया होगा राइट right? आज इतने चौदह सौ साल सोलह सौ दो हजार साल के बाद पीपल से ओ क्या आदमी आया था दो बिलीव इन प्रॉफिट प्रॉफिट जो नहीं करते वो भी कहते हैं यस और नो क्योंकि okay, हिस्ट्री बना के गया ना बट कितना बड़ा फियर लेके गया ठीक है क्या प्रॉफिट को डर नहीं लगता था बायोग्राफी पढ़ लो खुदा से आसमान में देख के कहते थे खुदा डर लग रहा है जब वही उतरी तो भी डर का मंजर था राइट ये क्या हो रहा है फरिश्ते नजर आ रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है सो प्रॉफिट वॉज इन अ फियर कंडीशन लेकिन खुदा ने ये क्यों बताया कि कोई भी बड़ी चीज फियर के बगैर नहीं मिलती तो कितने लोगों को आज फियर है कोई ना कोई चीज़ का नाम बताने की जरूरत नहीं है बट रेज योर हैंड अच्छा बड़ी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए जैसे जैसमिन ने बोला या परवीन बोलती है या यू you नो know, फरजाना बोलती है या शहनाज लोखंड वाला बोलती है बहुत बहुत कम लोग बोलते हैं अपने मसले रेज योर हैंड कितने लोगों को फियर है आज कोई ना कोई रेज योर हैंड ठीक है तो इसका मतलब है यू आर इम्प्रूविंग बिकॉज जिसको फियर नहीं है उसका मतलब है उसकी लाइफ में कोई हलचल ही नहीं है आप कुछ नया कर ही नहीं रहे तो आपको फियर कहाँ से मिलेगा सही बात है येस और नो राइट तो इसका मतलब है आप ठंड प्रोग्राम में आ गए यू आर कम्प्लीटली रिटायर्ड आपको हिलने जुलने की जरूरत है वो बॉटल होती है ना फार्मेसी की उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज तो बॉटल को भी हिलाना पड़ता है पीने से पहले राइट right? अगर आपकी लाइफ में हलचल ही नहीं है बिल्कुल ठंड प्रोग्राम हो गया सो यू आर गॉन रिटायरमेंट आ गई आप वैन के आने का वेट कर रहे हो कब आएगा नंबर कब आएगा तीस साल बाद लिखा है तो क्या तीस साल तक वेट करोगे क्या कुछ ना कुछ कर लो सो so, <coughs> अब हमको समझ क्या आया कि हर फियर बुरा नहीं होता कुछ फियर अच्छा हो अच्छा ठीक है अच्छा दो चीज़ें होती हैं बुल होता है और का होता है सबने सब देखा है रोडियो देखा है ठीक है अच्छा दोनों जानवर एक जैसे दिखते हैं बड़ी वाली काओ को ले लोगे ऑस्ट्रेलियन तो बुल के जैसा दिखेगा राइट right? सो so, अभी खुदा बता रहा है खुदा कहता है ना और वो लोग जो गौरव फिक्र करते हैं उनके लिए निशानियां हैं सो गौरव फिक्र वाली बात राइट नेशनल जोग्राफिक देखा करो सीखने मिलेगा ठीक है हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि शेयर लाइन पे हमला किया और यू नो कौन जीता लेकिन हम ये नहीं देखते बिकॉज वही बिहेवियर हमारे अंदर है बनाने वाला दोनों का फिल्म का एक ही है ठीक है तो वो ये कहता है कि जो बुल होता है ना जब मुश्किल होती है ना तो बुल काव जो होता है वो विंड के जैसे विंड यहां से आ रही है ना तो काव दूसरी डायरेक्शन में भागेगा तो विंड हमेशा काव के पीछे लगी रहती है राइट right? लेकिन बुल जो होता है ना थोड़ा सा हेवी होता है हार्ट सेट से हैवी होता है राइट right? हमने पढ़ा था आई क्यू और ई क्यू सबको याद है आई क्यू क्या था दिमाग की हेल्थ ई क्यू क्या था हार्ट की हेल्थ आज दुनिया किसको मानती है जो दिल से मजबूत है दिमाग तो चैट जीपीटी संभाल लेता है बुल जो होता है ना वो कहता है कोई बात नहीं आने दो वो विंड के सामने भागता है अपने बड़े बड़े सींग लेके का क्या करता है उल्टा भागता है उल्टे पैर भागता है अब आप सोचो आप कौन हो वेरी ऑनेस्ट कितने लोग काव हो रेज यू हैंड अच्छा अभी तो सब बुल पे हाथ उठाएंगे ना कैमरा ऑन है ऑनेस्टली के सकते रेज यू हैंड्स कितने लोग मुश्किल आती है तो कहते हैं यार छोड़ो किसी तरह अवॉइड करे छोड़ो बच्चे मुश्किल से शेर आए शेर आए क्लोज यूर आईज नहीं दिख रहा शेर नहीं दिख रहा शेर नहीं दिख रहा शेर है कि नहीं है शेर तो है उल्टा आपकी तरफ आ रहा है आपने बंद कर ली उसके लिए जपटा मारना आसान हो गया यू नो ही कैन ही कैन ट्रैप यू सो इजिली तो विंड आ रही है कभी कभार हम लोग काओ बन जाते हैं इट्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी वेदर इट्स अनेटिक है हम लोग विंड के अगेंस्ट भागते हैं और हमारे पीछे विंड लगी रहती है वो फियर लगा रहता है जैसे अभी जैस्मिन के साथ हुआ किसी के साथ भी होगा नेचुरल अब वो फियर क्या है ओ अभी कोई और जाएगा अभी किसी और की डेथ होगी अभी किसी और की डेथ होगी कुछ टाइम बाद जैसमिन उससे ओवरकम होगी इनशाला भूल जाएगी यू you नो know, जैसे हमारा भी फैमिली में कोई ना कि किसी पास्ट भी होगा वी वर इन सो मच पेन दैट टाइम यस और नो सबके साथ हुआ है बट अब हम लोग स्टेबल हो गए बट गॉड फॉर बिट हो जाए तो हम भी मेंटली हिल जाए यू नो यू माइट स्टार्ट क्राइंग राइट बिकॉज वी लॉस द लव वन राइट बट फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस आ जाता है सब्र आ जाता है ऊपर देता है तो काव जो होता है ना वो हमेशा डर में ही रहता है कि यार ओ अभी पकड़ लेगा अभी कुछ हो जाएगा अभी कोई मेरा बिजनेस ले जाएगा अभी मेरा स्टॉक मैंने जो खरीदा है वो गिर जाएगा ओ अभी रिसेशन आ जाएगा अभी बहुत सारे लोग उस तरह की चीज में रहते हैं कि अभी कुछ खराब होगा येस yes और नो no? सोचो अपने बारे में आप लोग ऐसे हो ऑनेस्टली उन लोगों का खराब हो भी जाता है मसला ठीक है क्यों क्योंकि नेचर ने आपको सबकॉन्शियस माइंड दिया है जो आप कॉन्शियस माइंड में ज्यादा देर तक रखोगे वो सब कॉन्शियस माइंड मैग्नेट है वो पकड़ लेगा वो बोलेगा अच्छा बुरा चाहिए ले ले बुरा तू तो लेस घंटे बुरा का ही तो तो सोच रहा है ले ले राइट सबकॉन्शियस माइंड इज गॉड कॉन्शियस माइंड जो आप सोचते हो अनकॉन्शियस माइंड आप ड्राइव करते हो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं आपका पैर खुद ब्रेक पे जाता है एक्सीटर पे जाता है गियर पे जाता है यस और नो रिवर्स में पीछे ले जाता है पार्किंग में आगे चले जाता है राइट इंडिकेटर तो अब आपने बुरा सोचा अरे बुरा हो जाएगा बुरा हो जाएगा ये जॉब अच्छी मिल गई लेकिन चली जाएगी चली जाएगी ओ मुझे पोजीशन मिल गई अभी कोई आके काम खराब करेगा अभी कोई आ जाएगा अभी कोई अगेंस्ट में बोलेगा ओ मैं बोलने जा रहा हूँ चार लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े होंगे वो बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा राइट फैमिली में कुछ बोलूंगा तीन लोग अगेंस्ट में सजेशन देंगे येस और नो राइट फैमिली में बात बोलूंगा बच्चे अगेंस्ट में जाएंगे डॉटर इन लॉ अगेंस्ट में जाएगी राइट हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है मैग्नेट है उसको लगता है हम दुआ कर रहे हैं तो बोलता है बुरा दो, बुरा दो बुरा दो बुरा दो ले ले बुरा तेरे को तो चाहिए था लेकिन हम बोले अच्छा दो अच्छा दो तो बुल जो होता है ना वो एक होप के साथ आगे बढ़ता है कि ठीक है दस मिनिट, बीस मिनिट, है मिनट मिनट आधा घंटा अगेंस्ट भागना ना वो भागने में पेन बहुत होता है क्यों क्योंकि हवा बिल्कुल फोर्स में मार रही होती है उसको बॉडी को राइट बट आधे घंटे बाद तूफान पीछे होता है और वो आगे होता है वो तब जाके सांस लेता है और सुकून से खाना खाता है आधे घंटे एक घंटे भागता रहता है यस और नो मुझे स्ट्रैटेजी सोच के बताओ क्लोज योर आइज देखो हम लोग के एम्पावरमेंट में अभी बहुत अच्छी चीज़ क्या हो रही है books, समझ आ रहा है यूज किया नहीं यूज फेड बट हमने कभी रुक के सोचा नहीं यार मतलब क्या फेथ का मतलब इज द रिलीजन वी फॉलो डज दैट मीन फेथ तो फिर तो सबके पास फेथ है जिसका रिलीजन नहीं है वो भी ट्रस्टन तो एक डॉक्टर था इटालियन जिसको कुत्तों से प्यार हो गया he started, he started loving dogs so much that उसने अपनी साइड पर बोला मैं कुत्तों को स्टडी करूंगा ईयर इन टू दैट स्टडी कितने और छ साल उसने जब दुनिया को साइड पे कर दिया डॉग्स पे लगाया उसने बोला डॉग की लैंग्वेज सीखना है तो वो सीख गया ना ऊपर वाले ने सबको इतनी ताकत दी है कि लोग लायन को भी हरा देते हैं स्नेक से भी फाइट करते हैं आपने देखे होंगे ऐसे लोग राइट तो उसने डॉग की जबान समझ ली फिर उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि मुझे मैसेज कोड करके दे कि मैं डॉग से पूछूं कि तुम खुदा पे बिलीव करते हो प्रूव आके आए ठीक है, है? गूगल कर लेना ज़्यादा पढ़ना है। क्या बोला होगा कुत्ते ने उसने बोला खुदा क्या होता है उसने बोला आसान जबान में समझाता हूँ वो जिसने तुमको बनाया तुमको ऐसा बिलीव है कि तुमको बोला हाँ हाँ हम सब कुत्ते मानते हैं वी ऑल द डॉग्स बिलीव क्रिएटर इज़ देयर हेल्पिंग अस हमको फूड दे रहा है और हम उस रोज की सना करते हैं डॉग से डॉग की जबान में पूछा इसको बोलते हैं फेथ चिड़िया जब खाना लेकर आती है ना तो सेविंग्स या करंट अकाउंट में दूसरे दिन का खाना नहीं रखती उतना ही लाती है जितना आज खाना है क्योंकि फेथ है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा राइट right? आया था में बहुत सारे लोग याद हो आपने देखा होगा परिंदों को शायद उस वक्त पता नहीं चला था दे कुड नॉट माइग्रेट तो आपने देखा होगा बर्फ में बैठे हुए थे बट दे वर गेटिंग फूड मरे नहीं थे ऊपर वाले ने पहुंचा दिया था कुछ लोगों ने दिया कहीं से और मिला ले पहुंचा दिया मरे नहीं जानवर हम इंसान इतना एजुकेटेड हो गया बट हमने वो फेथ समझ लिया बट फेथ हमारा वीक हो गया तो हमको बहुत डर लगने लगा जैस्मिन को डर लगने लगा फरीद बीमानी को लगने लगा परवीन लखाने को लगा फरजाना को लगा यास्मिन को यार अरे ये मेरे साथ हो गया कल कुछ और हो जाएगा कल तो फेथ कहाँ गया फेथ कम हो गया तो डर बढ़ गया अगर फेथ बढ़ जाएगा कि नहीं ठीक है ये चीज़ ऊपर वाले की परमिशन के बगैर नहीं हुई और उसमें उसकी कोई मसलियत थी जिसको ले लिया उसके लिए और शायद वो होता दुनिया में तो हमको लगता है लेकिन उसके लिए शायद कोई मेडिकल इश्यूज़ था वो बहुत पेन में था उसका ट्रीटमेंट पेन में था कभी आपने देखा है कि लोग मुश्किल आसान के लिए कहते हैं कि ये चला जाए दुनिया से बिकॉज उसको बॉडीली इतना कीमोथेरेपी मिल रहा है डिसेबिलिटी येस और नो तो हमने क्या किया हमने फेथ जिसपे था उसके ऊपर छोड़ दिया कि तू डिसाइड कर के बेस्ट क्या है यस और नो तो हमने अगर फेथ रख लिया ना तो हमको पता है कल भी खाना कोई देगा आज भी कोई संभाल रहा है वही संभाल रहा है कल भी कोई संभालेगा अकेला नहीं छोड़ेगा अः बहुत ज्यादा पैसा आ गया हेल्थ नहीं है वो पैसे से खरीदना चाहते हैं हेल्थ नहीं मिलती है और नो राइट रिलेशंस पैसे के बाद भी नहीं मिलते हैं पीपल हु यूज टू हाँ के पास पैसा आ जाएगा तो फेक रिलेटिव आपके पास आ जाएंगे यू नो वट आई मीन येस और नो और कहाँ कहाँ से आएगी आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा नाउ एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग राइट वो रिलेटिव नहीं है वो फेक स्टर्स ठीक है रिलेटिव या ट्रू फ्रेंड्स आपके पास तब भी थे जब आप कुछ नहीं थे आपके मुश्किल में भी खड़े हुए थे और वो बहुत थोड़े से होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में मौलानिया सेट कि अगर वो आपके पास है यू आर द अमंग्स द फॉर्चुनेट वंस राइट एक्सट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं वो तो वैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे ये भी रिस्क है गुड पीपल आर रिस्क केयरिंग सन केयरिंग वाइफ केयरिंग पेरेंट्स केयरिंग सिबलिंग्स ये सारा रिस्क है मौलानी कहता है जिनको केयरिंग फैमिली नहीं मिलती मैं बाहर से बंदा खड़ा कर देता हूँ लाके वो क्या है वो भी रिस्क है राइट

कभी वो बुक पढ़ेंगे ठीक है बट वो बुक बहुत भारी है वो मुझे नहीं लगता आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस बट मिलके पढ़ेंगे तो रिस्क का जो ग्रोथ किट है ना वो फेथ है राइट अब इसका जवाब आप लोग खुद देना कोई भी चीज फेत होता है तो बढ़ जाती है और फ़ियर होता है तो कम हो जाती है ये हमने समझ लिया इसके अलावा कोई चीज है दुनिया में फेथ का इनवर्स क्या है फ़ियर है यस और नो और दुनिया में रास्ते भी दो है एक खुदा का रास्ता है और एक डेविल का रास्ता है इसी पे तो पंगा हुआ था ना यस और नो उसने बोला था कि मैं तेरे बंदे को साइड पे करूंगा उसने बोला तू कर ले बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे नहीं होंगे राइट right? तो डेविल अटैक कहाँ करता है सोचो एक बात को इस्लाम में बोला है डिस्पोंडेंसी इज लिख लो वर्ड को ना उम्मीदी गुना है खुदा ने गुना बोल दिया भाई ऐसी फीलिंग कि तुमने फीलिंग लाई तो तुम मेरे में से नहीं हो तो खुदा मतलब एक आदमी रो रहा है तो खुदा क्या इतना ज़्यादा खुदा ना खास्ता क्रियोल है और अरोगेंट है कि वो बोले पेरेंट बोलेगा बच्चों के नहीं कोई बात नहीं रो नहीं मिल जाएगा वो बोले नहीं ये गुना है मतलब खुदा नाराज़ हो गया उस फीलिंग पे मतलब कुछ होगा खुदा कहते हैं ना कुरान में कि सेवेंटी वन से बड़ा है राइट मतलब सेवेंटी वन माँ से बड़ा दिल है तो एक माँ जब बच्चे को माफ कर देती है कुछ भी कर ले दुनिया में कर देते हो आप सब लेडीज हो मोस्टली ये और नो राइट तो खुदा तो सेवेंटी वन टाइम से भी बड़ा है तो उसने एक फीलिंग को बोला नहीं ये तू करेगा तो गुना है इस पर मैं मैं माफ नहीं करूँगा क्यों बोला होगा क्योंकि ये शैतान का हथियार है दैट्स स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस तो इस वक्त अभी क्या किया जैस्मिन के साथ या किसी के साथ भी हो सकता है या लास्ट टाइम शनाज लोखंड वाला के साथ था या मेरे साथ हुआ या किसी के साथ हुआ कि उसने फील कराना शुरू किया मौके का फायदा लेके मैं सामने से अटैक करूंगा पीछे से करूंगा राइट से लेफ्ट से जैसे भी बंदा गिरेगा मैं गिरा उसने बोला मैं डिस्पोंडेंसी डालूंगा तुम्हारा एक बंदा मरा है मैं बोलूंगा तुम्हारा कोई और जाएगा कोई और जाएगा और आहिस्ते आहिते तुम्हारा फेर हल्लास कर दूंगा क्या हुआ हटा दिया बहुत सारे लोग हट जाते हैं रिलीजन से डिस्पोंडेंसी आ जाती है होपलेसनेस आ जाती है फिर सब्सटेंस अब्यूज आता है स्मोकिंग वेपिंग ड्रगिंग फिर एक दिन सुसाइड की न्यूज आती है क्यों क्योंकि डिस्पॉन्डेंसी डाल दिया चाहे वो बच्चा तेरह साल का टीनेजर हो जो उसके बुली हो गया डिस्पॉन्डेंट हो गया कि वो मेरी हाइट शॉर्ट क्यों है मैं फेयर क्यों नहीं हूं मैं फैट क्यों हूं मेरे पास ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं है इतनी सी बात कि अगर फेत होता तो बच्चा हंस के उड़ा देता लेकिन फेथ की कमी थी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं थी बच्चे ने जाके डिस्पोंडेंसी कर ली सुसाइड केसेस बढ़ गए में डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट मैं कोई एलियनेटेड बात तो नहीं कह रहा तो क्या था हथियार था तो डिस्पॉन्डेंसी का दूसरा नाम फियर ही तो है डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट यस और नो राइट तो हमको समझ आ गया कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें फियर कोई दे रहा है तो तलवार निकाल लेनी है राइट right? और वो तलवार कौन सी है तलवार है जो आपने एक लाइन में मैं बोलू ना इम्पावरमेंट क्या हुई उसने समझा देखो बहुत दफा क्या होता है आ, बैगिंग ठीक है एक वर्ड है बैगिंग अब हम बात करेंगे बैगिंग क्या होता है और अब बोली मिशनरी ने एक्चुअली इसको समझाया एंड आई वाज ऐसे ड्राइव करते करते आई पुट द वाज मैंने कहा यार इससे ज्यादा क्लैरिटी कौन देगा राइट तो उन्होंने कहा कि बहुत दफा इन खुदा जिस तरह डिस्पोंडेंसी को पसंद नहीं करता बैगिंग को भी पसंद नहीं करता राइट तो उस पर बात वो तो समझा रहे थे कि एनी इज वेरी लर्नड मैन राइट तो उन, उनसे हम सब सीखते तो उन्होंने कहा कि बहुत दफा हम बहुत, बहुत ज्यादा स्टेटस में जाके भी बैग कर रहे होते हैं बैगिंग का मतलब ये है कि हम छोटे छोटे मसले अभी सीनियर्स बहुत दफ़ा सोचना इस बात को आईटी की क्लास हुई या कुछ कंप्यूटर में करना था ठीक है फ़ौरन से गिवअप कर दिया बोला नहीं नहीं अपने से इतनी मगजमारी नहीं होगा बेटा तू बता दे तू बता दे ग्रैंड को बोला दिस इज़ अल्सो काइंड ऑफ बैगिंग आपने अपना माइंड सरेंडर कर दिया और आपने किसी और का टाइम यूज़ किया किसी और की एनर्जी यूज़ की बिकॉज आज के ज़माने में पैसा इज टाइम एंड मनी डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट येस और नो राइट आप बहुत किसी प्रोफेशनल को पूछोगे ना कि यार एक घंटा दे दे और अगर ये सौ डॉलर ले ले ठीक है क्योंकि एक घंटे मेरे लिए उससे ज्यादा वर्थ थेटर येस और नो आप बहुत दफ़ा आज के दौर में जो वेस्ट में सब रहते हैं यहाँ पे सुन रहे हैं वो कन्वीनियंस फीस पे करता है क्यों क्योंकि मुझे दूर जाना नहीं पड़े मेरे घर पर पहुँचा दे मैं दस डॉलर देने को तैयार हूँ मेरे बीस मिनट बच गए और नो फ्यूल की परवाह नहीं है राइट टाइम की परवाह है सो टाइम इज मनी तो आप जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट बन जाते हो ना भले ही आप पेरेंट हो बट आज खुदा ने आपको सलामत रखा हुआ है ना बट अगर आप गिव अप करके अपने बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डालोगे तो उन पर ऑलरेडी बर्डन है आज कमाने का बर्डन कल से ज़्यादा था और कल की कर... उसमें ज्यादा होगा इमाम राइट कि सेविंग आज ज्यादा मुश्किल थी कल ऑल मुश्किल हो जाएगी कल दस गुना मुश्किल हो जाएगा उस अर्निंग और मुश्किल हो जाएगी राइट तो आज तो फाइव टी टाइम और मनी की है ना तो वो ये कहते हैं ये भी फॉर्म ऑफ बैगिंग है खाली पैसे मांगना बैगिंग नहीं है किसी का टाइम मांगना बैगिंग है और अगर आप किसी को बॉडर भी करते हो ना अगर आप किसी के फ्रेंड हो और आप बार बार उसको कॉल करके बोलो अरे ये मसला हो गया वो मसला हो गया बहुत अच्छा इंसान होगा ना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तो चार दफ़ा फ़ोन उठालेगा पांच दफ़ा डालेगा ठीक है आपके मेरी तरह का होगा ना तो दो दफ़ा में बोलेगा यार ये दोस्त बहुत दो टाइम ख़राब करता है इतना टाइम नहीं है सॉरी डिसकनेक्ट द कंप्यूटर या ब्लॉक कर देगा ऐसे कि उसको पता नहीं चले यस और नो डू ऑल अग्री विद आज के जमाने में किसी के पास किसी के सुनने का टाइम है राइट right? इसलिए प्रॉफिट ने चौदह सौ साल पहले बोल दिया था कि इज्जत चाहते हो तो भेदों को छुपा के रखो अपने मसले अपने तक रखो अब मसला है कि मेडिकल साइंस बोलती है या रोज होता है कि अपने मसले को बताओ हेयर टाइम नहीं तो अलग -अलग है yes no? तो ये समझ आया बात करना जरूरी है ये सो नो बट इंसान से बात करोगे तो वही आपकी कमजोरी पे कल अटैक करेगा फ्रेंड को बोलोगे वो तो, हाँ नसीम चुनारा की कमजोरी मिल गई अभी पकड़ में आई है हाँ फरजाना का मिल गया फरीफ फ्रमाने का अब जब तक मैं अच्छा हूं तब तक अच्छा हूं जब बुरा हुआ तो फिर मैंने बैंड बजा यू नो सो दे द थिंग हाउ यू लिव इन दिस वर्ल्ड तो मैं किसी को अपना वीक पॉइंट दूं क्यों डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट राइट तो बात करना जरूरी है बट दुनिया से बात करोगे तो वही ही आप पे अटैक करेगी एंड तो दूर जाने की जरूरत नहीं है यू नो हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ मेनी टाइम्स फैमिली अटैक करती है ब्रदर्स एंड सिस्टर अटैक ऑन ईच अदर स्पाउस अटैक्स ऑन ईच अदर यस और नो मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ राइट नाउ पीपल आई है सबको कुछ ना कुछ याद आ रहा है राइट right? तो घर जाके लड़ना शुरू नहीं कर देना बट ठीक है कॉमन बात है हम भी करते हैं तो समझ आ रहे फिर बात करें किससे कोई रोबोट लेकर आवे टेस्ला का बात करने के जो बाहर जाके किसी को नहीं बतावेगा भाई क्या मसला है वो भी आने वाला है लॉन मसला आने वाला है तो बात होती है टॉक टू गॉड ही इज द फ्रेंड जिसके पास टाइम बहुत भी है और बिल्कुल नहीं भी है ठीक है आप जैसा समझो और मसला ये है कि आगे जाके किसी को बताएगा नहीं और सोल्यूशन भी ला के दे देगा तो बेस्ट फ्रेंड वही हो गया ना राइट right? और अपने इसमें ऐसे लोग बहुत सारे हैं जैसे नरगेस एंड यू नो पीपल लाइक दैट हु हैव एक्चुअली गॉट आउट ऑफ दोस मेडिकल इश्यूज या बड़े बड़े मसलों से निकले एंड दे हैव शोन कि किस तरह फेथ इन गॉड ने बाहर निकाला डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट यस और नो तो जिसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए उसको बनाओ और वो तो बोलता है कुरान में तो मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओगे मैं हज़ार कदम बढ़ाऊंगा राइट right? तो उसी की तरफ बढ़ाओ जिसकी तरफ बढ़ाना चाहिए राइट right? तो हमें समझ क्या आया विल कंक्लूड टू डेज बुक और बहुत अच्छी बुक थी क्लैप फॉर द ऑथर एंड थैंक यू जैसमिन आई होप आपको थोड़ा सा पीस मिलाओ uh, तो हमको ये समझ आया कि लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना अगर हम इस रस्ते पर हैं ना तो ये हमारा वर्ड नहीं है बिकॉज खुदा इसको पसंद नहीं करता बट दूसरी पार्टी जो है ना वो ये आपके अंदर डालेगी आप में डर डालेगी ताकि आप फेत का रास्ता छोड़ दो तो उस वक्त आपको फेत और बढ़ाने की जरूरत है तो एक तो तरीका हो गया कि आप वॉर में जा रहे हो और आप पे दुश्मन अटैक कर रहे हो और आपने फेत की तलवार निकाली और बोला कोई बात नहीं यू you नो know, मेरा खुदा मसले से ज़्यादा बड़ा है राइट right? मुझे फिक्र नहीं है मैं अकेला नहीं रहूंगा नहीं रहूंगी अभी तक उसने ही संभाला है आगे भी वही संभालेगा वो कहानी याद है कि जल्जला आ गया था सुनामी आ गया था और सारी शॉप सब खत्म हो गई थी बट देर वॉज अ मैन जो के दूसरे दिन पर्चे पर लिख कर आया था द फ्लड इज देयर द बिल्डिंग्स एज डेवास्टेटेड बट हार्ट इज लाइफ शॉप विल ओपन टमोरो और उस बंदे ने वापस होटल बनाया और बीबीसी बी सी एन एन वाले सब जाके वहाँ ठहरे और कवर किया था पूरी सिटी ख़त्म हो गई थी बर्बाद हो गई थी राइट तो फेथ में इतनी पावर होती है अब इसमें वाइटामिन डी कैसे दिया जाए ठीक है एक तो हो गया कि जिंदगी में हमारे साथ कुछ हो गया और हमने या तो फेयर में आ गए डिस्पोंडेंसी में चले गए तो अब हमें याद है अच्छा नहीं फेथ रखना है बिकॉज हमें डेविल जो है अपनी साइड अब डेविल पे अटैक कैसे होता है पता वो ये कहते हैं कि आपके पास दो रुपए बचे और आपने बोला यार पैसे तो ख़त्म हो गए बिजनेस तो ख़त्म हो गया हजार डॉलर ही बचे हैं अभी क्या होगा हजार डॉलर में तो मेरा नहीं हो रहा तो आपने बोला उस सौ डॉलर में से दस डॉलर का मैंने किसी करीब को खाना खिला दिया तो क्या हुआ क्या एक तो आपको पता था यार ये जो बचे हैं इसमें मेरा कुछ होने नहीं वाला प्लस आपने इन द नेम ऑफ गॉड उसमें से भी दस परसेंट बीस परसेंट दे दिया उसी की मदद के लिए तो हुआ क्या ये वहाँ से उल्टा पाऊँ भागना शुरू कर देगा उसने बोला ये बहुत भारी आदमी है ये मेरे बस की बात नहीं है मैं इसको डिस्पोंडेंसी डाल रहा हूँ ये मेरे को उसमें से भी चैरिटी कर रहा है अब चैरिटी पैसे से भी होती है टाइम से भी होती है राइट और उसका बिल गेट्स वाला वाक्य याद कर लो बिल गेट्स दस साल के बाद उस न्यूज़पेपर वाले को मिला और उसने कहा कि ये बिल गेट्स से बहुत बड़ा है। याद आया वाक्य और उसने कहा कि ये तो न्यूज़पेपर वाला न्यूयॉर्क में बेचता है तुम तो बिल गेट्स हो दुनिया तुम्हारे अपॉइंटमेंट उसने बोला ये मुझसे बड़ा है क्योंकि इसने मुझे उस वक्त एक डॉलर का न्यूज़पेपर दिया था तीन से चार दफा और कभी पैसे नहीं मांगे लेकिन आज मैं बिल गेट्स बन गया अगर आज मैं इसको मिलियन डॉलर भी दूँ तो मेरे पास पैसा है बट इसने अपनी दस डॉलर की इनकम में से एक डॉलर का अखबार मेरे को दे दिया था और बोला जब भी पैसा आया दे देना तो आज मेरे पास आया और मैं बिलियन डॉलर स्टेज शो पर बैठ के इसको दे रहा हूँ ये नहीं ले रहा ठीक है तो वो जो होता है ना वो सामने से निकाल के तलवार चलाना होता है यू नो सो आई होप यू ऑल आर दैट सक्सेसफुल के हमारा इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग हो जाए एंड आई होप यू ऑल लर्न सो इनशाला सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू